सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो पब्लिक डिमांड पे आज के वीडियो वापस एक रैंकिंग वीडियो होने वाला है, जहां पे हम रैंक करेंगे मार्वल के यूनिवर्स के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज को। ध्यान रहे, यहां पे मैंने सिर्फ सुपर हीरोज को लिया है, मैंने विलन्स को नहीं लिया। आज की वीडियो में स्पाइडरमैन से लेकर कैप्टन अमेरिका के स्ट्रेंथ का कंपैरिजन होगा और हल्क, कैप्टन मार्वल, थॉर और इक्रिस जैसे कैरेक्टर्स को रैंक किया जाएगा उनके स्ट्रेंथ के बेसिस पे। आपको जानने को मिलेगा कि इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। और यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे तो डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर स्कारलेट विच भी पावरफुल है अपने मैजिक की मदद से, आयरन मैन पावरफुल है अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से, पर आज के वीडियो में हम कैरेक्टर्स को सिर्फ उनकी रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे कंपेयर करेंगे और रैंक करेंगे। और साथ ही में हम सिर्फ ऐसे ही सुपर हीरोज को ले रहे हैं जो कि आज तक किसी ना किसी लाइव एक्शन मूवी में हमें दिखे हो। हम उनके कॉमिक्स के फीट को कंसिडर करेंगे, पर ऐसे ही कैरेक्टर्स को लिया जाएगा जो कि किसी मूवी में दिखे हो। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, कैप्टन अमेरिका। तो अगर बात हो रही है सुपर स्ट्रेंथ की, तो हमें सुपर सोल्जर को तो कंसिडर करना ही होगा। स्टीव रॉजर्स को अपने सीरम की मदद से कहीं सारी पावर्स मिली, जिसमें से मेजर है सुपर स्ट्रेंथ। और इसके कहीं सारे एग्जांपल हमने थ्रू आउट एमसीयू मूवीज में देखे हैं, जैसे कि अपने हाथ से एक ट्रंक को फाड़ देना हो या फिर एक बाइक को फेंक देना। और उसका बिगेस्ट फीट जो मुझे लगा था वो ये था कि कैप्टन अमेरिका ने मैड टाइटन थैनोस के हाथ तक को रोक लिया था। और इसके अलावा एक और सीन है जहां पे कैप्टन अमेरिका ने एक हेलीकॉप्टर या फिर आप कह सकते हैं कि एक एयरबस को उड़ने से रोक लिया था, जिसकी लिफ्टिंग पावर है 3000 पाउंड्स। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने काफी ज्यादा थ्रस्ट वाले एयरबस को उड़ने से रोक लिया, जिसे रोकने के लिए आपको 10 से ज्यादा इंसानों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अल्टीमेटली आप ऐसा कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका इक्विवेलेंट है 10 इंसानों से। वो एक नॉर्मल इंसान से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। और कॉमिक्स में भी कैप्टन अमेरिका ने 1200 पाउंड के वेट को इजीली उठा लिया था। तो इन्हीं एग्जांपल्स पे से आप देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका कितने स्ट्रांग है। और आप ये सोचो कि अगर ऐसा कैरेक्टर इस लिस्ट में नंबर 10 पे है, तो आगे कैसे कैसे कैरेक्टर्स होने वाले है। नंबर 9, द थिंग। तो नंबर 9 पे है हमारे पास द थिंग, जो कि फैंटास्टिक 14 का मेंबर है। ये कैरेक्टर मूवीज में हमें दिख चुका है फैंटास्टिक 4 की पुरानी दोनों मूवीज में, फैंटास्टिक 4 के नए रिबूट में, और अब ये कैरेक्टर हमें दिखेगा फैंटास्टिक 4 की उस टीम में जो कि जल्दी ही एमसीयू में इंट्रोड्यूस होने वाली है। और द थिंग के स्ट्रेंथ को अब तक की मूवीज में हमें इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया, स्पेशली पुरानी मूवीज में, पर कॉमिक्स में द थिंग बहुत पावरफुल है। वो इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वो हल्क को भी टो टक्कर दे सकता है, हल्क के साथ फाइट कर सकता है। और ऐसे ही कुछ सीन शायद आपने कार्टून्स में देखे होंगे। और अगर मैं बात करूंगा फैंटास्टिक 4 के नए रिबूट की, जो कि फॉक्स की तरफ से आया था, वहां पे कुछ अच्छे सीन थे जो कि द थिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करते हैं, जैसे कि वो काफी आसानी से टैंक्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और सिर्फ पेड़ ही नहीं बल्कि रॉक्स तक को अपने पंचेस से तोड़ सकता है। आई जस्ट विश कि जब इस कैरेक्टर को एमसीयू में दिखाया जाए, तब उसके फुल पोटेंशियल में दिखाया जाए, और तब शायद ये कैरेक्टर रैंकिंग में काफी ऊपर हो। नंबर 8, स्पाइडरमैन। तो काफी सारे लोग यहाँ पे स्पाइडरमैन को देख के हैरान होंगे, कुछ पूछेंगे कि वो कैप्टन अमेरिका से ऊपर कैसा है, कुछ पूछेंगे कि वो द थिंग से ऊपर कैसा है। तो कॉमिक्स में स्पाइडरमैन ने द थिंग नहीं बल्कि पूरी फैंटास्टिक 4 को ही अकेले हरा दिया था। और अगर आपको ऐसा लगता है कि एमसीयू का स्पाइडरमैन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप काफी गलत है। उसने विंटर सोल्जर के पंच को रोक लिया जो कि कैप्टन अमेरिका को टक्कर दे रहा था। उसने कल ऑब्सिडियन के हैमर तक को भी सिर्फ अपने हाथ की मदद से रोक लिया था। और ये सब तो कुछ भी नहीं है, अगर स्पाइडरमैन अपने स्ट्रेंथ की अपर लिमिट को टच करे, तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही देखा कि उसने एयरपोर्ट पे गिर रहे एक ब्रिज को रोका था, जिसका वेट 27 टन्स था, यानी कि उस हेलीकॉप्टर के थ्रस्ट से 20 गुना ज्यादा, और उसने उस चीज को आराम से रोक लिया था। स्पाइडरमैन ने 2000 से 3000 टन वेट वाले, यानी कि 20 लाख से 30 लाख किलो वेट वाले सैन मारिया के फेमस बेल टावर को गिरने से रोका था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में। और स्पाइडरमैन होमकमिंग में उसने 3200 टन वेट वाली उस शिप को अपने वेब शूटर्स की मदद से गिरने से बचाया था। और सिमिलरली ऐसा ही कुछ हम टोबी मैक्वायर की फ्रेंचाइज में भी देख चुका है, जहां पे उसने ट्रेन को ब्रेक लगाई थी। तो ये स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। नंबर 7, कोलोसस। तो आई एम श्योर कि अगर आप मार्वल बेस्ड मूवी के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स का रैंकिंग कर रहे हो, तो ये कैरेक्टर आपके दिमाग से स्लिप हो सकता है। कोलोसस हमें दिखा था एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में, पर कोलोसस का बेस्ट वर्जन हमें देखने को मिला डेडपूल की मूवीज, यानी कि डेडपूल 1 और डेडपूल 2 में, जहां पे डेडपूल की पहली मूवी में उसकी फाइट एंजल डस्ट से हुई, और डेडपूल की दूसरी मूवी में उसने मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विलन्स यानी कि जगरनॉट को भी टक्कर दे दी थी। और कोलोसस एज सच एक काफी स्ट्रांग कैरेक्टर है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसके आसपास पूरी मेटल या फिर आर्मर प्लेटिंग है,
और अगर आप उसके कॉमिक्स के फीड को इंटरनेट पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगा कि वो अपने टीनेज में ही 70 टन तक वेट उठा सकता था, यानी कि 70,000 किलो। नंबर 6, ग्रूट। तो यहाँ पे ग्रूट का नंबर 6 पे होना भी आप में से काफी सारे लोगों को सरप्राइज कर सकता है, पर जो लोग ग्रूट के बारे में ज्यादा जानते हैं शायद ये चीज उन्हें सरप्राइज नहीं करेगी। और आप खुद ही सोच के देखो कि अपनी टीनेज फॉर्म में, यानी कि अपने रेजरेक्शन के बाद अपनी काफी अंडर डेवलप फॉर्म में भी वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने कहीं सारे माइंडलेस वंस को एक ही साथ मार लिया था, उन्हें उठा दिया था और उसने थैनोस तक को जकड़ लिया था अपने टेक्टिकल्स में, तो अपनी फुल्ली डेवलप्ड स्टेज में वो कितना पावरफुल होगा। ग्रूट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम का पावर हाउस है। मार्वल की ऑफिशियल वेबसाइट पे स्ट्रेंथ के मामले में उसकी रैंकिंग 7 out of 7 है। वो 100 टन से ज्यादा का वेट उठा सकता है, यानी कि 1,00,000 किलो से ज्यादा, और यही चीजें उसे नंबर 6 पे लाती है। और ग्रूट का जो एडल्ट वर्जन हमें दिखाया गया था गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की पहली मूवी में, उसका उतना एक्सपोजर हमें नहीं मिला, पर अब रूमर्स ये है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमें ग्रूट का अल्फा वर्जन देखने को मिलेगा जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तो हाँ, इस चीज के लिए मैं जरूर एक्साइटेड हूँ। नंबर 5, इक्रिस। तो इटर्नल्स ने कहीं सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने मार्वल के यूनिवर्स के पावर की रैंकिंग को पूरी तरीके से बदल दिया, और इन सारे कैरेक्टर्स में से सबसे बड़ा नाम है इक्रिस का। इक्रिस को एक तरीके से अब तो आप मार्वल का सुपरमैन भी कह सकते हैं। इक्रिस ऑलरेडी एक इटर्नल है जिन्हें सेलेस्टियल्स ने बनाया है, यानी कि ऑलरेडी वो एक गॉड लाइक बींग है, और सारे इटर्नल्स में भी वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सिर्फ दो ही इटर्नल्स ऐसे है जो कि इक्रिस से ज्यादा स्ट्रांग है। अब वो कौन कौन से है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और मैं कहूंगा कि इक्रिस से काफी पावरफुल कैरेक्टर है, वो सबसे पावरफुल इटर्नल हो सकता है पर वो सबसे स्ट्रांग इटर्नल नहीं है। अपनी हीट विजन और अपनी फ्लाइट की मदद से और अपनी ड्यूरेबिलिटी की वजह से वो पावरफुल है, पर अगर सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी रॉ स्ट्रेंथ हल्क या फिर थॉर जैसे कैरेक्टर्स की बराबरी में नहीं आ सकती, फिर चाहे वो एमसीयू हो या फिर कॉमिक्स हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें तब देखने को मिलता है जब फेस्टोस अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके इक्रिस की फ्लाइट को और उसके हीट विजन को ले लेता है, तब इक्रिस को अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके उसके इक्विपमेंट्स को ब्रेक करने में काफी टाइम लग जाता है। नंबर 4, कैप्टन मार्वल। तो आई नो अगेन यहाँ पे काफी सारे लोग चैट में लिखना शुरू कर चुके होंगे कि कैप्टन मार्वल सबसे स्ट्रांग है, मैं नूबड़ा हूँ वगैरह वगैरह, पर मैं इस चीज को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैप्टन मार्वल की मेन पावर उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका एनर्जी मैनिपुलेशन और उसकी फ्लाइट है। क्योंकि जब उसने थैनोस की शिप को डिस्ट्रॉय किया था तब वो थैनोस की कैनन से ही चार्ज अप हो चुकी थी, और उसने अपनी फ्लाइट और अपनी ड्यूरेबिलिटी का यूज किया था और वो शिप में से पेनिट्रेट हो गई थी। उसने रोनन द एक्यूजर की मिसाइल्स को भी ऐसे ही डिस्ट्रॉय किया था। उसकी रॉ स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में काफी कम है। कैप्टन मार्वल की पावर का मेन सोर्स उसकी फोटोनिक पावर्स है जिसे लेकर वो काफी पावरफुल बन चुकी है, पर अगर मैं बात करूँ कॉमिक्स की तो कॉमिक्स में इस चीज को लेकर भी वो कभी भी हल्क और थॉर की बराबरी नहीं कर पाई। और अगर इस पॉइंट की बात की जाए कि उससे अगर उसकी फोटोनिक पावर्स ले ली गई तो वो बिल्कुल ही वीक हो जाएगी। ऐसा हमने तब देखा था जब स्क्रल्स ने उसे पकड़ लिया था और उस लॉक में लगा के उसकी फोटोनिक पावर को ड्रेन कर लिया गया था। उस स्टेट में वो इतनी वीक हो गई थी कि वो मुश्किल से ही उस लॉक को तोड़ पाई थी। तो हाँ, कैप्टन मार्वल इतनी भी स्ट्रांग नहीं है। नंबर 3, गिलगमेश। तो मैंने आपको कहा था कि सिर्फ दो इटर्नल्स ऐसे है जो कि इक्रिस से ज्यादा स्ट्रांग है। वो दोनों इटर्नल्स में से पहला तो है थैनोस, क्योंकि वो भी एक इटर्नल है और उसे कॉमिक्स में इक्रिस से ज्यादा स्ट्रांग दिखाया गया, और दूसरा इटर्नल है गिलगमेश। गिलगमेश को स्ट्रांगेस्ट इटर्नल कहा जाता है। इटर्नल्स की मूवी में भी गिलगमेश को उसके नेक्स्ट लेवल फीट्स के साथ दिखाया गया है, तो उसे तो इस लिस्ट में लेना ही था। गिलगमेश एक ऐसा इटर्नल था जिसे किसी भी डेवियंट को हराने के लिए एक पंच से ज्यादा की जरूरत नहीं थी। गिलगमेश ऐसा इटर्नल था जो कि थेना को उसकी अनकंट्रोल्ड स्टेज में कंट्रोल कर सकता था। और हाँ, मूवी रिलीज होने से पहले ऐसे कंफर्मेशन आ चुके थे कि गिलगमेश हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है। और स्पॉइलर अलर्ट, पर गिलगमेश इतना ज्यादा ओवर पावर था कि वो एमसीयू को काफी हद तक इम्बेलेंस कर देता पावर के मामले में, और इसी वजह से उसे मूवी में मार दिया गया। नंबर 2, हल्क। तो जिस तरीके से एमसीयू में हल्क को डिग्रेड किया गया और इनक्रेडिबल हल्क से लेके अवेंजर्स एंडगेम तक हल्क का डाउनफॉल हुआ, वो काफी सारे फैंस के फ्रस्ट्रेशन का रीजन है। तो यहाँ पे पहले मैं बात करूंगा कॉमिक्स के हल्क की, क्योंकि जिस तरीके से फ्लैश की स्पीड की कोई लिमिट नहीं या फिर बैटमैन और आयरन मैन की इंटेलिजेंस की कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक इसी तरीके से कॉमिक्स में हल्क की स्ट्रेंथ की कोई भी अपर लिमिट नहीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे हल्क को गुस्सा आता है वो और पावरफुल होता चला जाता है और स्ट्रांग होता है, या फिर एक रीजन ऐसा दिया गया कि वन बिलो ऑल जो है वो हल्क की पावर का सोर्स है और इसलिए वो इन्फाइनाइटली स्ट्रांग है।
बट अल्टीमेट फैक्ट यही है कि हल्क की स्ट्रेंथ की कोई भी लिमिट नहीं। हल्क अपने काम स्टेज में ही आराम से 100 टन के प्लेन को उठा सकता है और अपने रेज मोड में हल्क की स्ट्रेंथ कितनी है वो तो अभी जानते ही होंगे। और हाँ, ऐसा भी नहीं है, एमसीयू में भी हल्क की स्ट्रेंथ की कुछ झलक हमें देखने को मिली है, जैसे कि अबोमिनेशन को हराना, फैंटेसी द वुल्फ को हराना, चित्तोरी लेविथाल को एक ही पंच में हरा देना, या फिर सर्टर के मुंह पे जाके पंच मारना। पर ये तो सारी हल्क की स्ट्रेंथ की बस छोटी सी फीट्स है। शायद हल्क की रियल स्ट्रेंथ हमें आने वाली किसी मूवी में दिखाई जाए, शी हल्क की सीरीज में या फिर हल्क की अपनी सोलो मूवी में। हाँ, हल्क के ऊपर एक सोलो मूवी बन रही है जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क से इंस्पायर्ड होगी और इसे लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको एंड स्क्रीन के ऊपर मिल जाएगा, काफी इन्फॉर्मेटिव है तो चेकआउट जरूर करना। नंबर 1, थॉर। तो थॉर एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो है एंड आई रियली थिंक कि कुछ लोग ही हार्डली ऐसे होंगे जो कि इस बात से अग्री नहीं करेंगे। और अगर उन्हें भी मैं रिवाइज करवा दूं कि थॉर के फीट्स क्या क्या है तो अगेन आई एम श्योर कि वो मान ही जाएंगे। थॉर ने आयरन मैन के गोल्ड टाइटेनियम के बने अलॉय वाले सूट को अपने हाथों से ही मोड़ दिया था, जो कि करने के लिए आपको हजारों टन्स का फोर्स चाहिए। उसने अपने एक ही पंच से हल्क को आसमान तक उछाल दिया था, जो कि करने के लिए अगेन आपको हजारों टन का फोर्स डिमांड करता है। और उसका बिगेस्ट फीट तो ये था कि उसने नडाविलर के जो फर्नेंस है उसके गेट को ओपन किया था, जो कि एक काफी बड़ा फीट आप कह सकते हैं। और कॉमिक्स का थॉर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसने गैलेक्टस को नॉकआउट किया है, प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है सिर्फ अपने हाथों का यूज करके, उसने एसगार्ड को उठा लिया था अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके, उसने वर्ल्ड इंजिन तक को उठाया है। तो हाँ, थॉर के स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो मिलियंस ऑफ टन्स आसानी से उठा पाए। और अभी एमसीयू के थॉर ने भी अपनी पूरी कैपेसिटी अचीव नहीं की। हमने देखा कि हेला ने किस तरीके से अपने हाथों का यूज करके मेयोनीर को क्रश कर दिया था, तो थॉर भी इतना ही स्ट्रांग हो सकता है। वो अपनी ओडिन फोर्स को एक्टिवेट करेगा और ये चीज शायद हमें थॉर की फोर्थ मूवी में दिखाई जाए। वैसे ये चीज कैसे होगी उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, तो उसे चेकआउट करना तो बिल्कुल मत भूलना और उसे मिस बिल्कुल मत करना। तो आज के वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, होप आपको रैंकिंग अच्छी लगी होगी। और हाँ, थॉर वाला वीडियो देखने के लिए ऊपर वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए और वर्ल्ड वॉर हल्क और बाकी इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए नीचे वाला वीडियो देखिए। That is it for today, guys. अगर आपको आज का वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।